अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज विज्ञान भले ही कितने उन्नत होने का दावा करे, लेकिन भारत के ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म ने जिस ऊंचाइयों को छुआ है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसकी मिसाल है 1000 साल से भी पुराने शिव मंदिर, जो एक दूसरे से 500 से 600 किलोमीटर दूर हैं, मगर उनकी देशांतर रेखा एक ही है। सीधी भाषा में कहें तो सभी मंदिर एक सीध में स्थापित हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सभी ज्योतिर्लिंग का केंद्र है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ये मंदिर है उत्तराखंड का केदारनाथ। इसके अलावा उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वर, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदंबरम और रामेश्वर मंदिर। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। इन मंदिरों का करीब 4000 वर्ष पहले निर्माण तब किया गया था जब स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीकी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन ये सभी मंदिर यौगिक गणना के आधार पर बनाए गए हैं। इससे साबित होता है कि वर्तमान विज्ञान, जिस पर हमें आज गर्व है, प्राचीन यौगिक विज्ञान का 10% भी नहीं है। न्यूज़ डेस्क।